नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक है शोध के लिए रूपरेखा या फिर सिनोप्सिस कैसे तैयार करें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यह शोध है या फिर अनुसंधान है या फिर रिसर्च है, सब एक ही शब्द है। अंग्रेजी में हम इसको रिसर्च कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं हम शोध या अनुसंधान। और जिसको हम डिग्री के रूप में देखें तो हम इसे एमफिल, पीएचडी, डीलिट इत्यादि कहते हैं। तो यदि आप किसी यूनिवर्सिटी में एमफिल करना चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं या फिर अन्य कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं या फिर आप आजकल कॉलेजेस में जो एग्जाम्स होते हैं एनुअल एग्जाम्स, उसमें भी यह टॉपिक परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। यदि आप पर्टिकुलर इस पेपर को लेते हैं तो यदि आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप सिनोप्सिस कैसे तैयार करेंगे, रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे अपने रिसर्च पेपर का। रिसर्च पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक लघु शोध प्रबंध होता है एमफिल वगैरह के लिए, या फिर पीएचडी वगैरह करते हैं तो आप ज्यादा डिटेल में रिसर्च करते हैं। तो आज इसका हम अध्ययन करेंगे इन बिंदुओं के आधार पर। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपके रिसर्च के दृष्टिकोण से यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक जरूर देखें। मैंने संक्षेप में बताने का प्रयास किया है कि आप कैसे रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, सिनोप्सिस तैयार कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना, इसके बाद देखेंगे सिनोप्सिस तैयार करना। सिनोप्सिस मतलब होता है रूपरेखा। इसके बाद अध्याय का विभाजन। तो जैसे आप किताबों को पढ़ते हैं तो किताबों में अलग अलग अध्याय दिए रहते हैं, जैसे कोई भी किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग अध्याय रहते हैं, तो अध्याय का विभाजन भी करना पड़ता है शोध प्रबंध में। इसके बाद शोध विषय का क्रमिक तथा व्यवस्थित विभाजन, फिर अध्याय के अंदर में फिर उनको आपको विभाजित करना होता है प्रॉपर तरीके से, क्रमिक रूप से, व्यवस्थित तरीके से। इसके बाद रूपरेखा निर्माण में शोधार्थी को निर्देशक का सहयोग, शोधार्थी मतलब जो रिसर्च स्कॉलर होता है उसका जो गाइड होता है उसको बोलते हैं कि रिसर्च गाइड या शोध निर्देशक। तो इसमें इन दोनों की भूमिका क्या होती है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध होना चाहिए। इसके बाद एक सुव्यवस्थित रूपरेखा के प्रमुख चरण, कौन कौन से स्टेप्स होंगे जब आप एक व्यवस्थित तरीके से आप रूपरेखा का निर्माण करेंगे। तो रूपरेखा का आकार, आकार के दृष्टिकोण से भी हम रूपरेखा को या फिर सिनोप्सिस को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहला संक्षिप्त या सीमित रूपरेखा और दूसरा है विस्तृत रूपरेखा। इसके बाद निष्कर्ष, तो बहुत सारी चीजों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विशेष रूप से आपके जो गुरु होते हैं, जो रिसर्च गाइड होते हैं, जो शोध निर्देशक होते हैं, उनकी भूमिका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए आगे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिसर्च वास्तव में होता क्या है। आज जो तथ्य या विषय अज्ञात है उसे जानना ही अनुसंधान है या रिसर्च है। अनुसंधान कार्य करने से पहले सर्वप्रथम विषय का चुनाव करना होता है। तो वास्तव में जब हम रिसर्च करते हैं तो हम या तो बिल्कुल भी कोई बात पता नहीं है या फिर जो बात पता है पहले से उसमें हम कुछ नई चीज जोड़ना चाहते हैं, कुछ उसमें नए आयाम जोड़ना चाहते हैं, तब हम रिसर्च की ओर अग्रसर होते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको रिसर्च के लिए सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है कि मैं इस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहता हूँ, जिसमें आपकी रुचि और जिसमें सामग्री उपलब्ध होती है। ये दो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण होती है विषय का चुनाव करने के संबंध में, इसमें पर्याप्त मात्रा में आपको स्टडी मटेरियल या फिर अन्य मटेरियल मिल जाए, और दूसरा वह विषय आपकी रुचि का होना चाहिए। इसके बाद अनुसंधान प्रक्रिया का दूसरा सोपान शोध निर्देशक का चुनाव होता है, उनके बिना अनुसंधान कार्य की कल्पना करना असंभव है। तो आजकल तो यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम हो गया है, तो वहां पर एंट्रेंस एग्जाम अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको वहां पर गाइड अलॉट कर दिया जाता है किसी भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस वगैरह में। और दूसरा यदि आपने एमफिल पहले से किया हुआ है तो आपको जो 6 महीने का जो वो करना होता है कोर्स वर्क, उससे आपको छूट मिल जाती है। लेकिन यदि आपने एमफिल नहीं किया, पीएचडी करना चाहते हैं, तो 6 माह के लिए कोर्स वर्क भी करना पड़ता है। हालांकि सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अलग अलग नियम कानून होते हैं, ये मैं आपको जनरल टाइप का बता रहा हूँ। तो आपको शोध निर्देशक का चुनाव करना है तो प्राय आपको अलाट कर दिया जाता है कि ये आपके गाइड होंगे। इसके बाद अनुसंधान प्रक्रिया में विषय का चुनाव कर लेने के बाद अगले पड़ाव अथवा लक्ष्य के रूप में रूपरेखा तैयार करने का कार्य होता है। तो पहले आप सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, फिर शोध निर्देशक मिल जाता है, रिसर्च गाइड रेडी हो जाते हैं आपको रिसर्च करवाने के लिए। इसके बाद रूपरेखा सिनॉप्सिस तैयार करना होता है, इसे अंग्रेजी में सिनॉप्सिस कहते हैं, जिसे तैयार करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो यह उसकी बुनियाद होती है, जो आप रिसर्च करना चाहते हैं, जो अनुसंधान करना चाहते हैं, उसकी बुनियाद क्या होती है, सिनॉप्सिस तैयार करना होता है। अनुसंधान की सफलता का पहला चरण है रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा या प्रारूप शोध कार्य का बीज है, जिसका संपूर्ण विकास शोध प्रबंध के विस्तृत वटवृक्ष के रूप में होता है या प्रबंध को मूर्त रूप देता है। तो एक एक तरह से आप कहते हैं डिजाइन बना लेते हैं आप,
जैसे घर का नक्शा बनाते हैं, घर बनाने के पहले यहाँ पर आपका ड्राइंग रूम रहेगा, यहाँ पर आपका लिविंग रूम रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर टॉयलेट रहेगा, यहाँ पर बाथरूम रहेगा, तो इस तरीके से रूपरेखा की भूमिका होती है। तो रूपरेखा एक छोटा सा बीज है जिसमें बाद में आप बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बनता है, उससे आपका जो सिनॉप्सिस तैयार होता है वट वृक्ष के रूप में। तो यह आपके शोध प्रबंध को मूर्त रूप देता है, इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसको इग्नोर न करें। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि शोध विषय का क्रमिक अर्थात अध्यायों, शीर्षकों, उप शीर्षकों में व्यवस्थित विभाजन रूपरेखा है। तो रूपरेखा क्या है, आपका जो शोध प्रबंध है उसमें कितने अध्याय होंगे, उन अध्याय में कितने शीर्षक होंगे, उस शीर्षक के अंतर्गत कितने उप शीर्षक होंगे, इनको आपको व्यवस्थित तरीके से जमाना होता है। तो इसको हम सिनॉप्सिस में लिखते हैं और यही शोध कार्य की जननी है, उसकी माँ है। इसमें शोध कार्य का सार संक्षेप में प्रस्तुत करना होता है, फिर इसमें आपको ब्रीफ देना पड़ता है कि भाई इस अध्याय के अंतर्गत ये शीर्षक है, इसके अंतर्गत ये उप शीर्षक है और इसमें मुझे इन इन चीजों को लिखना है, तो आपको ब्रीफ में लिखना होता है। अब सिनॉप्सिस कैसे तैयार करते हैं, रूपरेखा तैयार करने से पूर्व शोध छात्र मतलब रिसर्च स्कॉलर को कुछ तथ्य स्पष्ट करने होते हैं। उदाहरण के लिए शोध का क्या लक्षण होगा, क्या तरीका होगा, क्या विशेषताएं होंगी, शोध की कौन सी प्रविधि होगी, किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, आंकड़े कैसे इकट्ठा करेंगे, शोध लेखन किस शैली में होगा, आपकी शैली क्या होगी, आलोचनात्मक होगी कि गवेषणात्मक होगी, खोज करेंगे कैसे करेंगे, आपके शोध प्रबंध में कितने अध्याय होंगे, इसके बाद कितने चैप्टर होंगे, शोध के लिए सहायक सामग्री तथा अंगीकार आदि का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा। अब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको कुछ सहायक सामग्री चाहिए, कुछ किताबें चाहिए, लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, या फिर आपको जो पुराने लेखक वगैरह हैं या फिर जिस लेखक या कवि के बारे में आप शोध कर रहे हैं यदि ये जीवित हैं तो उनसे आपको उनका साक्षात्कार करना पड़ेगा, बहुत सारे अन्य छात्रों से मिलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, पेपर से कटिंग इकट्ठा करना पड़ेंगे, मतलब आपके रिसोर्सेज क्या क्या होंगे। और अंगीकार मतलब फील्ड वर्क मतलब उन आंकड़े इकट्ठा करना, जाकर लोगों के पास जाकर, लेखक या कवि के पास जाकर, तो यह होता है फील्ड वर्क, फील्ड में जाकर उनके बारे में जानकारी जुटाना जिस भी क्षेत्र में आप करना चाहें तो कैसे उसका उपयोग करें। इसके बाद अध्याय का विभाजन, जैसे किताबों में अलग अलग अध्याय अलग अलग चैप्टर होते हैं वैसे ही आपको अध्याय का विभाजन कैसे करना है। सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता को अध्यायों का विभाजन करना होता है, अर्थात यह निर्धारित करना होता है कि वह अपने शोध कार्य को कितने अध्यायों में प्रस्तुत करेगा। एक किताब लिखने जैसा है, जब आप कोई किताब लिख रहे हैं तो उस किताब में कितने चैप्टर्स होंगे, कितने अध्याय होंगे, वैसे आपको बताना पड़ता है कि मेरे शोध कार्य में कितने अध्याय होंगे। साथ ही साथ उसे यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि अध्यायों की संख्या न तो बहुत अधिक हो और न बहुत कम हो। प्रायः माना जाता है कि शोध में 7 से लेकर 11 अध्याय तक होना आदर्श होता है। अध्याय विभाजन विषय की गहराई, लंबाई और चौड़ाई के अनुरूप ही होना आवश्यक है। जैसे आप हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं तो आदिकाल, भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल, ये आपके 4 चैप्टर हुए। वैसे नवजागरण काल, पुनर्जागरण काल, इस टाइप का आप अलग अलग चैप्टर है ना, तो लंबाई चौड़ाई इसमें आवश्यक है, कितना कितना ज्यादा आप लिखना चाह रहे हैं, कितने पेजेस में आप लिखना चाह रहे हैं, समराइज करना चाह रहे हैं। शोध विषय का क्रमिक तथा व्यवस्थित विभाजन, शोध विषय का क्रमिक तथा व्यवस्थित विभाजन ही रूपरेखा है। मतलब आपने जो चैप्टर डिसाइड किया है, जो टॉपिक आपने लिया है, उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में क्रमिक रूप से और व्यवस्थित तरीके से विभाजन करना ही रूपरेखा कहलाता है। यह शोध कार्य का कच्चा लेखा जोखा होता है। जैसे आप रफ वर्क करते हैं, मैथ्स बनाते हैं तो रफ वर्क करते हैं, वैसे ये कच्चा लेखा जोखा है, रफ वर्क है, ड्राफ्ट है। शोध कार्य में रूपरेखा प्रारंभिक तथा अस्थायी होती है, स्थायी तथा स्थिर नहीं होती। अब शोध कार्य में आपने जो सिनॉप्सिस तैयार किया है, जो रूपरेखा तैयार की है, वो फाइनल नहीं है। आपने रूपरेखा तैयार कर लिया, फिर आपने गाइड को दिखाएंगे, फिर उसमें गाइड को काट छाट करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, उसके बाद अंतिम रूप बाद में जाकर वो अंतिम रूप लेता है। वस्तुतः रूपरेखा शोध संरचना के विभिन्न संरचक संरचना का निर्माण करने वाले बिंदु हैं। इसका निर्माण मानसिक संकल्पना पर आधारित होता है। सामग्री संग्रह, वर्गीकरण, विश्लेषण, विभाजन, संयोजन तथा विवेचन की प्रक्रिया से यह मानसिक संकल्पना संशोधित होकर प्रामाणिक तथा वैज्ञानिक बनती है। तो वास्तव में एक काल्पनिक चीज है। शोध कार्य के लिए आपने रूपरेखा तैयार किया, अपनी कल्पना में उसको आपने लिख लिया कि मेरे इतने चैप्टर होंगे, इसमें ये मतलब शीर्षक होंगे, इसमें इतने उप शीर्षक होंगे, आपने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया। लेकिन इसके बाद जब आप सामग्री का संग्रहण करेंगे, मतलब कंटेंट आप कलेक्ट करेंगे, फिर उसका वर्गीकरण करेंगे, कैटेगराइज करेंगे अलग अलग कैटेगरी में, उनका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर इनको अलग अलग अध्यायों में डालेंगे, विभाजन करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ, और इस प्रकार जब सारा काम कर लेंगे तब कहीं जाकर जो आपका जो होता है रूपरेखा सिनॉप्सिस, वह फाइनल होता है।
मतलब सामग्री के हिसाब से आपके रूपरेखा में भी परिवर्तन होता चलता है। तो कोई भी रूपरेखा जो सिनाप्सिस होता है अंतिम नहीं होता, हालांकि फाइनल होने के पहले वह फाइनल होता है। रूपरेखा निर्माण के समय ग्रंथ सूची, किन किन आपने ग्रंथों का सहयोग लिया है, किस पेज से क्या उद्धृत किया है, कौन कौन से ग्रंथों का सहारा लिया है बड़े बड़े राइटर के, उसको आपको लेना है, कौन से न्यूज़पेपर का आपने हेल्प लिया है, कौन से रिसर्च पेपर जो पहले प्रकाशित हुए हैं उनका हेल्प लिया है, और लक्ष्य प्राप्ति स्रोत कहाँ से आपने यह कंटेंट को कलेक्ट किया है, तथ्य प्राप्ति का स्थान कहाँ से आपको ये तथ्य मिले, है ना, कि आपने इंटरव्यू से प्राप्त किया कि कहाँ से प्राप्त किया, तथा शोध कार्य में सहायता पहुंचाने वाले विद्वानों की सारणी प्रस्तुत करना आदर्श पद्धति है। तो अंत में आपको बताना पड़ता है, संदर्भ सूची आपको देना पड़ता है, रेफरेंसेस, कि आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या कंटेंट इकट्ठा किया है, किसका किसका साक्षात्कार लिया है, कौन कौन विद्वानों ने आपका सहयोग किया, कौन कौन सी लाइब्रेरी में जाकर आपने कौन से किताबों का अध्ययन किया, किन न्यूज़पेपर का सहारा लिया, कौन से आप जो जर्नल का सहारा लिया, ये सब देना पड़ता है आखिरी में। इसके बाद चौथा है रूपरेखा निर्माण में शोधार्थी को निर्देशक का सहयोग, जो रिसर्च जो गाइड होते हैं आपके शोधार्थी, जो आपके गुरु होते हैं, जो आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको कैसे कैसे करना है, तो इसमें इनका निर्देशक का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। रूपरेखा निर्माण का कार्य शोधार्थी तथा निर्देशक दोनों का होता है। तो रूपरेखा जब निर्माण करते हैं तो खाली आपका अकेले का काम नहीं है, आप तो ड्राफ्ट बना लेंगे, फिर आपके रिसर्च जो आपके गाइड है ना, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको ऐसा करना है। दोनों का सहयोग से ही रूपरेखा का निर्माण होता है, अकेले का काम नहीं है। शोधार्थी को चाहिए कि वह निर्देशक पर ज्यादा निर्भर न रहकर एक जैसी रूपरेखा देकर स्वयं रूपरेखा तैयार करें। शोध निर्देशक को उसमें अपेक्षित तथा आवश्यक संशोधन कर देना चाहिए। अब यह बहुत ही मेहनत मेहनत वाला काम है, रूपरेखा निर्माण करना, सिनॉप्सिस तैयार करना, और जो हमारे गाइड होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनके अंडर में बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर होते हैं, उनको सबको गाइड करना है, सबको समय देना है। तो इसलिए चाहिए कि जो शोधार्थी है, जो रिसर्च स्कॉलर है, वह बहुत ज्यादा मेहनत करे और एक ड्राफ्ट जरूर तैयार कर ले, स्वयं रूपरेखा तैयार कर ले, बाद में जो उनके गाइड होते हैं उसमें आवश्यक काट छांट कर सकते हैं। अब आदर्श रूपरेखा निर्माण के लिए शोधार्थी तथा निर्देशक को उस विषय से मिलती जुलती एकाधिक रूपरेखाओं को अवश्य देख लेना चाहिए, इससे रूपरेखा निर्माण करने में सुगमता होती है। अब जैसे आपने कामायनी के जो चरित्र है ना, लीडिंग जो कैरेक्टर है कामायनी की, जो श्रद्धा है उसके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं, तो साकेत की जो लीडिंग कैरेक्टर है निर्मला उर्मिला, क्षमा चाहता हूँ, मतलब जो अलग अलग कैरेक्टर है उस टाइप की रूपरेखा को आपको देख लेना चाहिए, जो एक जैसी मिलती जुलती जो रूपरेखा है उनको आपको देखना है, तब आपको रूपरेखा निर्माण में सिनॉप्सिस तैयार करने में आपको सुविधा होगी। तो रूपरेखा निर्माण करते समय उसमें नवीन तथा मौलिक अध्ययन बिंदुओं का समावेश होना चाहिए। तो जैसे आप रूपरेखा निर्माण कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कि दूसरे को आपने कॉपी कर लिया, को आपको नवीन नई चीजें लेकर आना है, मौलिक उद्भावनाएं करनी है, नए नए अध्ययन बिंदु लेकर आपका आना है, कुछ नया करना है आपको। उदाहरण के लिए कामानी में आधुनिकता, परंपरा और प्रयोग विषय की रूपरेखा बनानी है, तो इसके लिए एकाधिक विश्वविद्यालयों की अन्य विषयों की समान धर्मी रूपरेखाओं को देख लेना चाहिए, जैसे रामचरितमानस में आधुनिकता, परंपरा और प्रयोग। तो इस टाइप के जैसे मिलते जुलते जो टॉपिक हैं उनमें दूसरे यूनिवर्सिटी में क्या काम हुआ है, किस प्रकार का रिसर्च हुआ है, और कैसे उन्होंने अपना सिनॉप्सिस तैयार किया है, तो वो आपको देख लेना चाहिए, इससे आपको सहायता मिल जाएगी। पांचवा, एक व्यवस्थित रूपरेखा के प्रमुख चरण, सुव्यवस्थित ये वह आधा, एक सुव्यवस्थित रूपरेखा के प्रमुख चरण कौन कौन से होंगे, ये वह आधा है। प्रस्तावित अनुसंधान का शीर्षक, आपका किस टॉपिक पर आप अनुसंधान कर रहे हैं, जैसे कि है कामायनी में आधुनिकता, परंपरा और प्रयोग, तो ये आपका हो गया अनुसंधान का शीर्षक। इसलिए उपाधि तथा संस्था का नाम जहां प्रस्तुत करना है, तो यह जो शोध पत्र है एमफिल की उपाधि के लिए, पीएचडी की उपाधि के लिए, और कहाँ आप प्रस्तुत कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत कर रहे हैं कि कॉलेज में प्रस्तुत कर रहे हैं, उस संस्था का नाम। फिर इसमें निर्देशक का नाम रहता है, शोध गाइड का नाम रहता है एक तरफ, लेफ्ट साइड में, कि आपके गाइड कौन है। फिर शोधार्थी का नाम रहता है, रिसर्च स्कॉलर का नाम रहता है। इसके बाद विषय की समस्या के अंतर्गत समस्या की उत्पत्ति का संक्षिप्त विवरण देते हुए उसे प्रस्तुत करना, मतलब आपका जो उद्देश्य है, जो टॉपिक है, उसको आपको प्रस्तुत करना, कि आप क्या नया करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, दुनिया के सामने क्या नई चीज लाना चाह रहे हैं, उसको प्रस्तुत करना। इसके बाद क्या होता है, इस विषय में अब तक हो चुके कार्य का संक्षिप्त विवरण और सीमाएं तथा प्रस्तुत अध्ययन शोध की आवश्यकता, महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डालना। तो जैसे आप कमानी में आधुनिकता के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि कमानी में आधुनिकता और परंपरा का सामंजस्य कैसे हुआ है,
अभी तक इसमें क्या क्या काम हो चुका है, उनमें क्या कमी रह गई है, क्योंकि क्या सीमाएं रह गई हैं, और इन्हीं सीमाओं को ध्यान में रखकर आप रिसर्च की ओर अग्रसर हुए हैं। और आपके अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, आपके रिसर्च की जरूरत क्यों पड़ी, आपके रिसर्च का क्या महत्व है, और क्या वह आने वाली पीढ़ी के लिए क्या वह उपयोगी है, कि आप जो काम कर रहे हैं कि आप सिर्फ डिग्री के लिए यह काम कर रहे हैं। इसके बाद इस विषय में और क्या किया जा सकता है जिससे नवीन तथ्य नावृत हो, कि आप जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उसमें आपकी नई तथ्यों का खोज कर सामने लाने वाले हैं, जिससे जो पाठक है उनको कुछ फायदा होगा, जो नए छात्र आएंगे, जो नई पीढ़ी आएगी, उनको उससे क्या फायदा होगा, उनको क्या नए तथ्य पता चलने वाले हैं। इसके बाद इस शोध के लिए कौन कौन से संदर्भ ग्रंथों की आवश्यकता होगी, इस विषय की संभावित सूची तैयार की जाएगी। तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा आपको रूपरेखा में कि मैं ये रिसर्च करने वाला हूँ, इसमें कौन कौन से संदर्भ ग्रंथ, कौन कौन से रेफरेंस बुक्स की सहायता ली जाएगी, उनकी जरूरत पड़ेगी, संभावित रेफरेंस बुक्स, इनकी सूची तैयार करनी है। इसके बाद रूपरेखा का आकार कैसा होता है, जिस प्रकार प्रत्येक शोध का विषय एक जैसा नहीं होता, उसी प्रकार प्रत्येक शोध विषय की रूपरेखा भी एक जैसी नहीं हो सकती। मतलब एक छात्र किसी अलग अलग टॉपिक पर शोध कर रहा है, अलग विषय पर शोध कर रहा है, दूसरा छात्र किसी अलग विषय पर शोध कर रहा है, तो उनकी जो रूपरेखा तैयार करने का जो तरीका और जो लंबाई चौड़ाई होगी, लंबाई होगी वह अलग अलग होगी। जैसे साहित्य की रूपरेखा तथा भाषा शोध की रूपरेखा एक दूसरे से भिन्न होगी। जैसे आप पूरी तरह से साहित्य का शोध कर रहे हैं, साहित्यिक कृतियों की आप समीक्षा कर रहे हैं या फिर उनका शोध कर रहे हैं, तो उसका तरीका अलग होगा, उसकी रूपरेखा अलग होगी। और भाषा वैज्ञानिक भाषा शोध, किसी कृति की भाषा के संबंध में आप शोध कर रहे हैं, तो उसकी रूपरेखा अलग होगी। शिष्ट साहित्य तथा लोक साहित्य संबंधी विषयों की रूपरेखाएं भी एक दूसरे से भिन्न होंगी। शिष्ट साहित्य मतलब जैसे गोदान गबन हो गया, कमानी हो गया, ये शिष्ट साहित्य हो गए। और लोक साहित्य मतलब जैसे ढोला मारूरा दोहा, इस तरह के जो कृतियां हैं, इन दोनों की रूपरेखाएं एक दूसरे से भिन्न होंगी। अब महाकाव्य तथा खंड काव्य दोनों प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं महाकाव्य और खंड काव्य, तो इन दोनों की रूपरेखा में पर्याप्त समानता होगी। कमानी में नारी चित्रण तथा साकेत में नारी चित्रण शोध विषयों की रूपरेखाएं कुछ समान होंगी, है ना। कमानी भी महाकाव्य है, साकेत भी है, तो इनकी रूपरेखाएं कुछ तरह से समान होंगी। रूपरेखा निर्माण शोधार्थी की योग्यता तथा शोध निर्देशक की विशेषज्ञता का मापक होता है। तो आपका सिनॉप्सिस देख के कोई भी जान जाएगा कि जो शोधार्थी है, रिसर्च स्कॉलर है, और जो उसका जो गाइड है कि रिसर्च स्कॉलर कितना गुणी है, कितना योग्य है, और जो गाइड है वे कितने एक्सपर्ट है, उनको देखते ही पता चल जाता है। इससे शोध परीक्षक को मूल्यांकन का आधार प्राप्त होता है। अब शोध का मूल्यांकन करने वाला एक अलग व्यक्ति होता है जो शोध का परीक्षण करेंगे कि भाई इसमें कैसा काम हुआ है। तो तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं। विषय की रूपरेखा मतलब सिनॉप्सिस, इसके बाद शोध प्रक्रिया कि इसका मेथड क्या है, तरीका क्या है, शोध प्रविधि मतलब इसका टेक्निक क्या है, तथा शोध व्यवस्था को भी निर्धारित करती है। तो विषय की रूपरेखा जो सिनॉप्सिस जो है हमारा, वह शोध का प्रोसीजर क्या होगा, उसका टेक्निक क्या, टेक्नोलॉजी क्या होगी, और किस प्रकार की व्यवस्था है, इन सबको भी निर्धारित करती है। अब जो रूपरेखा होती है सिनॉप्सिस, रूपरेखा दो प्रकार की होती है, पहला संक्षिप्त रूपरेखा या सीमित रूपरेखा, दूसरा विस्तृत रूपरेखा। जैसे आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपका गाइड बोलेंगे कि आप ब्रीफ में बनाकर ले आइए, संक्षिप्त रूपरेखा बनाकर ले आइए, तो वह छोटा रहेगा, उसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं रहेगी। और जो विस्तृत रूपरेखा है उसमें आपको डिटेल में चीजों को मेंशन करना पड़ता है, उल्लेख करना होता है। आप संक्षिप्त या सीमित रूपरेखा किसे कहते हैं, जहां शोध अध्ययन मतलब जो ब्रीफ में बनाकर लाते हैं उसमें क्या क्या होता है, शोध अध्ययन खंडों में तथा अध्याय में विभक्त रहता है। आप बता देंगे मेन हेडिंग क्या है, आपका टॉपिक क्या है, फिर उसमें कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे, इसे संक्षिप्त रूपरेखा कहा जाता है। जैसे भ्रमर ग्रीत का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, सूरदास का जो भ्रमर ग्रीत है उसका भाषा वैज्ञानिक अध्ययन आपका शोध विषय है, तो इसके संक्षिप्त रूपरेखा कैसे होगी, प्रथम अध्याय में आप बताएंगे ध्वनि वैज्ञानिक अध्ययन, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से आपको देखना है भ्रमर गीत को, तो प्रथम अध्याय आप लिख सकते हैं ध्वनि वैज्ञानिक अध्ययन, द्वितीय अध्याय शब्द वैज्ञानिक अध्ययन, तृतीय अध्याय पद वैज्ञानिक अध्ययन, चतुर्थ अध्याय वाक्य वैज्ञानिक अध्ययन, पंचम अध्याय अर्थ वैज्ञानिक अध्ययन, षष्ठम अध्याय शोध निष्कर्ष। तो यह रूपरेखा संक्षिप्त रूपरेखा कहलाएगी, ज्यादा आपने डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ अध्याय के बारे में बता दिया। अब यदि इसी को विस्तृत बनाते हैं तो क्या क्या होगा, जहां शोध अध्ययन, अब शोध अध्ययन वहां पर हमने खाली अध्याय बताया, लेकिन यदि शोध अध्ययन शीर्षकों और अध्यायों, शीर्षकों एवं उप शीर्षकों में विभाजित किया जाता है तो उसे विस्तृत रूपरेखा कहते हैं, डिटेलिंग, डिटेल में। इसमें क्या क्या होते हैं, मान लीजिए आपका शोध का विषय है छायावादी कवियों के काव्य में व्यक्त प्रकृति। आपको मालूम है कि जो छायावादी काव्य है उसमें प्रकृति का बहुत ही
महत्वपूर्ण स्थान है। अपंत जी को हम प्रकृति का चितेरा कवि कहते हैं। तो ऐसे आप महादेवी वर्मा हैं, चाहे निराला हैं, चाहे पंत हैं, चाहे जयशंकर प्रसाद हैं, तो छायावादी कवि और सभी ने प्रकृति का बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया है। तो इसका हमको जैसे बताना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका, फिर पूर्व शोध कार्य का क्या परिचय देंगे कि पहले क्या क्या इसमें शोध कार्य हो चुके हैं, उसमें क्या कमी रह गई, आप क्या नया बताना चाह रहे हैं, प्रस्तुत शोध कार्य की आवश्यकता, आपको ये शोध कार्य की जरूरत क्यों पड़ी, क्या नवीन तथ्यों की आप उद्भावना करने वाले हैं। इसके बाद इसमें लेंगे प्रथम अध्याय, प्रथम अध्याय में आप बताएंगे छायावादी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उत्पन्न हुआ, छायावादी काव्य का स्वरूप क्या है। द्वितीय अध्याय में आप छायावादी कवियों का परिचय देंगे, प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा का। इसके बाद तृतीय अध्याय में लिखेंगे छायावादी कवियों के काव्य का परिचय, कौन कौन सी कविताएं उन्होंने लिखी, कौन कौन सा काव्य लिखा। चतुर्थ अध्याय में महादेवी वर्मा के काव्य में व्यक्त प्रकृति, किस प्रकार उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है। इसके बाद पंत के काव्य में व्यक्त प्रकृति, सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रकृति का वर्णन किस प्रकार किया है। इसके बाद निराला जी के काव्य में व्यक्त प्रकृति, जैसे जूही की कली वगैरह आपने पढ़ा होगा। इसके बाद सप्तम अध्याय, प्रसाद जी के काव्य में व्यक्त प्रकृति, जैसे कामायनी में उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है, वैसे देखना है आपको। फिर अष्टम अध्याय, प्रकृति के विभिन्न रूप, जैसे आलंबन रूप में व्यक्त प्रकृति, उद्दीपन रूप में व्यक्त प्रकृति, मानवीकरण के रूप में व्यक्त प्रकृति, अलंकरण के रूप में व्यक्त प्रकृति, मतलब प्रकृति चित्रण के कितने आयाम हो सकते हैं। किसी कवि ने प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया है, किसी ने उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण किया है, किसी ने उसका मानवीकरण किया है जैसे संध्या सुंदरी, और उसने अलंकरण अलंकार के रूप में किस प्रकार प्रकृति का चित्रण किया है। इसके बाद नवम अध्याय, काव्य की भाषा कैसी है, छायावादी काव्य की भाषा कैसी है। इसके बाद दसम अध्याय में शोध का निष्कर्ष लिखना पड़ता है, जैसे आप प्रस्तावना से शुरू करते हैं, भूमिका से अंत में आपको देना पड़ता है निष्कर्ष। तो शोध कार्य में विस्तृत रूपरेखा अधिक उपयोगी रहती है, वास्तव में हम विस्तृत रूपरेखा ही हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो यह विस्तृत जो रूपरेखा है, यह शोध कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रूपरेखा देखने मात्र से ही शोध ग्रंथ का आकार तथा महत्व ज्ञात हो जाता है, मतलब सिनॉप्सिस को देखने से पता चल जाता है कि कितना बड़ा और कितने पेजेस में हमको लिखना पड़ेगा, कितना और कितना महत्वपूर्ण शोध हम करने जा रहे हैं। तो रूपरेखा ना तो अति संक्षिप्त हो और ना अति विस्तृत, एकदम ब्रीफ भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा विस्तृत भी नहीं होना चाहिए। रूपरेखा के विस्तार के विषय क्षेत्र, रूपरेखा के विस्तार को विषय क्षेत्र में विस्तार तक ही सीमित रखना चाहिए, मतलब आपको अपने सब्जेक्ट से बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ वहां की बात नहीं लिखनी चाहिए, कोई भी महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु छूट न जाए इस बात को ध्यान देना आवश्यक है। मतलब बेकार की बातों को भी आपको नहीं लिखना है, और जो जरूरी और महत्वपूर्ण बात भी ना छूट जाए इसका भी ध्यान रखना है। एक आदर्श रूपरेखा वह होती है जिसमें शोध कार्य में सरलता प्रतीत हो, यथाशीघ्र शोध कार्य संपन्न हो। तो एक आदर्श रूपरेखा या सिनॉप्सिस क्या क्या होती है कि उसकी सहायता से आपका शोध कार्य बहुत ही आसानी से और सरलता से संपन्न हो जाए, पूरा हो जाए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब अंत में आपको इस प्रश्न का जो मैं बता रहा था उसका निष्कर्ष क्या है, ऊपर जो जो बातें बताया उसका निष्कर्ष क्या है। शोध कार्य में रूपरेखा प्रस्तुति अत्यंत आवश्यक आयाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है यह सिनॉप्सिस तैयार करना। जिस प्रकार शरीर में आत्मा का महत्व है, वैसे ही शोध कार्य में रूपरेखा प्रस्तुति का। जैसे हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती तो शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना, प्राण प्राणहीन शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, वैसे ही रूपरेखा का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे शरीर में आत्मा का महत्व है, वैसे ही रिसर्च में सिनॉप्सिस का महत्व है। किसी भी शोध कार्य की रूपरेखा अंतिम नहीं होती, शोध कार्य करते समय इसकी सीमा में परिवर्तन होता चलता है। तो हम एक ड्राफ्ट तो बना लेते हैं सिनॉप्सिस, लेकिन जैसे जैसे हम सामग्री इकट्ठा करते हैं, उनका वर्गीकरण विवेचन और विश्लेषण करते हैं, तो कभी कभी हमको रूपरेखा में भी बदलाव करना पड़ता है। तो फाइनल नहीं होता जब तक हमारा शोध कार्य फाइनल न हो जाए। कभी कभी तो सामग्री संकलन वर्गीकरण तथा विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष संपूर्ण रूपरेखा को ही बदल देते हैं। तो आपने ड्राफ्ट तो बना लिया रूपरेखा, लेकिन बाद में आपने सामग्री संकलित किया, उसका वर्गीकरण किया, विश्लेषण किया, विवेचन किया, तो आपको पता चला कि आपका जो सिनॉप्सिस का है वही चेंज हो गया, थोड़ा बहुत हमको चेंज करते चलना पड़ता है। अतः आवश्यक है कि शोध विषय की रूपरेखा ना तो अति संक्षिप्त हो, बिल्कुल ब्रीफ भी नहीं होना चाहिए, और ज्यादा विस्तृत भी नहीं होना चाहिए। इतना आवश्यक है कि शोधार्थी अपने शोध प्रबंध के माध्यम से दिए गए विषय को स्पष्ट कर सके। तो यह जरूरी है कि आपकी रूपरेखा इस तरह से होनी चाहिए कि शोधार्थी ने जो टॉपिक लिया है उसको पूरी तरह से वह स्पष्ट कर ले। शोधार्थी का कर्तव्य है कि रूपरेखा में संशोधन की सूचना समय समय पर संबंधित विश्वविद्यालय को देता रहे। तो अपने गाइड के माध्यम से यदि वह बताता है अपनी यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को भाई कि इस मेरे
मैंने जो जमा किया हुआ है ड्राफ्ट, उसमें यह परिवर्तन हुआ है। जो सिनोप्सिस मैंने तैयार किया था उसमें यह परिवर्तन हो गया है। संपूर्ण शोध प्रबंध पूर्ण हो जाने के बाद लेखन के समय जिस रूपरेखा को आधार बनाया जाता है वही अंतिम रूपरेखा होती है। तो वास्तव में जो हम रूपरेखा बनाते हैं, जो सिनोप्सिस तैयार करते हैं, तो फाइनली जब हमारा जो रिसर्च पेपर लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है, तभी हम कहते हैं कि हमारा जो ये जो सिनोप्सिस है, रूपरेखा है, वह फाइनल स्टेज पर पहुंच गया। तो क्योंकि उसी के आधार पर हमको फिर उसको जमा करना पड़ता है अप्रूवल लेने के बाद। तो इस तरह मैंने बताने का आपको प्रयास किया, तो आप भली बात ही समझ गए कि किसी भी रिसर्च में, अनुसंधान में या शोध में जो हमारा सिनोप्सिस है, रूपरेखा है, उसको तैयार करने की आवश्यकता क्यों होती है, उसका क्या महत्व है। साथ ही ये जो लेक्चर है, इसका कंटेंट छात्र हमेशा मांगते हैं कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो इसका जो पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड जरूर कर लें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का यह लेक्चर आपको कैसा लगा। धन्यवाद।